फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ गणेश चतुर्थी स्पेशल पीनट मावा मोदक बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। ये मोदक एक बहुत ही इजी मोदक की रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। और अगर रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई ऑल इन वन को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी पीनट मावा मोदक। पीनट मावा मोदक बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम पीनट को यानी कि मूंगफली को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर लगभग मैंने 150 ग्राम मूंगफली लिया है और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सौटे कर लेंगे ताकि जब हम इसका छिलका निकालें तो इसका छिलका जो है वो आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पे आप लगभग 10 से 15 मिनट या फिर 10 से 12 मिनट इसे सौटे करेंगे मीडियम फ्लेम पे, तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। उसके बाद इसका जो छिलका है वो आसानी से निकल जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और अब जो मूंगफली है वो हो चुकी है अच्छे से फ्राई। आपको आवाज़ तो आ ही रही होगी, खटखट की आवाज़ आनी स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब है कि मूंगफली जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। और मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, ये देखिए इसका जो छिलका है कितने आसानी से अलग हो रहा है। तो अब हम कर देंगे मूंगफली को ठंडा। ठंडा होने के बाद हम इसे इस मिक्सी के जार में डाल करके इसे बिल्कुल महीन पीस लेंगे। उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में मैं डाल रही हूँ 1 कटोरा दूध, ये लगभग 50 ग्राम है। यहाँ पर मैं फैटफुल मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे हमारा जो मोदक है वो काफ़ी टेस्टी बने। अब यहाँ पर हम डालेंगे मावा। तो मावा यहाँ पे हम 100 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं। मावा को हम मिल्क में डाल देंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध में इस तरीके से। अब हम यहाँ पर 50 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो चीनी को भी मैंने इसमें डाल दिया है और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए चीनी भी अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमने जो मावा इस्तेमाल किया है वो भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम डाल देते हैं यहाँ पे पीनट के बुरादे को यानी कि पीनट पाउडर को। तो सारे पाउडर को इसमें हम डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। गैस के फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, अभी बाद में हम हाई करेंगे। पहले हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारे मूंगफली के पाउडर को मैंने डाल दिया है, अब सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब गैस के फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है जो कि चीनी की वजह से आया है उन सबको हमें यहाँ पे सुखा लेना है। मोदक बनाने के लिए यहाँ पे हमें बिल्कुल ड्राई मिक्स चाहिए। तो गैस के फ्लेम को मैं कर दे रही हूँ हाई और हाई फ्लेम पे हम जो सारे यहाँ पे लिक्विड है पानी है उसको हम इसको सुखा लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हमें 1 से 1.5 मिनट ही लगेगा और 1 से 1.5 मिनट में जो यहाँ पर चीनी से निकला है पानी वो सारा यहाँ पर सूख जाएगा और इसी के साथ हमारा जो मिक्स है वो भी रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये देखिए 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं और इसी के साथ हमारा जो मिक्स है उसने कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब अब ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो जब ये ठंडी होगी तो थोड़ी सी और यहाँ पे ये सख्त हो जाएगी और उसके बाद ये आसानी से अच्छी हो जाएगी, मोदक बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो अब हम कर रहे हैं गैस के फ्लेम को ऑफ और अब हम इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे मोदक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा मिक्स है वो अब अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं मोदक। तो यहाँ पर मैंने एक मोदक का साँचा ले लिया है, इसको हम ओपन कर लेंगे और इसके अंदर हम ग्रीस करेंगे घी से इस तरीके से। इसको हम कर देते हैं बंद और इसके अंदर अब हम डालेंगे मिक्स को। तो यहाँ पर हम पीनट का इस्तेमाल किया है हमने, तो पीनट में काफ़ी ऑयल होता है तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको ग्रीस करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप जितने भी मोदक बनाएंगे उसके लिए आपको यहाँ पे ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफ़ी घी जो है मेरे हाथों में आ रहा है। तो पीनट और कोकोनट ये दोनों चीज़ें जो होती है काफ़ी ऑयली होती है, तो इसमें आपको ग्रीस करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रीस कर लिया। तो इसे मैं हम अच्छे से अंदर कवर कर लेंगे, अच्छे से दबा दबा के यहाँ पे आपको डालना है मिक्स को, तभी जो आपका मोदक है वो अच्छे से सेक लेगा। इसको अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद अब हम सूप खोलेंगे मोदक के साँचे को। ये देखिए थोड़ा सा टाइट हो गया, अच्छे से इसको खोल लीजिए
और ये देखिए कितना क्यूट सा यहाँ पे हमारा पीनट मावा मोदक रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ना कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और ये देखिए काफ़ी जो घी है इसके अंदर आ चुका है, हमारा जो मोल्ड है उसके अंदर। तो अब हम इसको ग्रीस नहीं करेंगे और इसके अंदर हम ऐसे ही डाल देंगे। तो इस तरीके से आपको फिर से एक बार और बना करके मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको डाल देना है। अच्छे से आपको मिक्स भरना है ताकि जो मोदक है वो अच्छा सेप ले। और यहाँ पे हल्के से प्रेस कर लेंगे हम और अब इसे खोल देंगे। और ये देखिए एक और क्यूट सा गणपति जी का प्रसाद हमारा रेडी हो चुका है, प्यारा सा मोदक। तो इसी तरीके से हम सारे मोदक को यहाँ पे कर लेते हैं रेडी। ये देखिए हमारा सारा पीनट मोदक यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखने में। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर एंड गुड बाय, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।